इधर पे ना लेक व्यू है हमारे होटल्स का, तो अभी बाहर निकल के दिखाते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और निकी भैया आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं अभी कॉलेज, और कॉलेज के बाद अगर थोड़ा बहुत टाइम बचा तो मैं ले चलूंगा आपको घुमाने फिराने थोड़ी छोटी मोटी जगह। बोनट देख के समझ में आ रहा है कौन सी कार है, BMW। गजब यार गजब। ये हमारा लेक, लेक विद द लेक ऑफ वाटर। तो भाई सब अभी बजा हुआ है 12:30, मतलब 12:27 सॉरी 12:29 हो रहा है, और मेरी ट्रेन है 2:45 की, ठीक है। और खुसरो बाग यहाँ से है 600 मीटर, मतलब मुझे टाइम लगेगा करीब और करीब 7 से 8 मिनट 600 मीटर जाने में आराम से, ठीक। और उधर ही चलिए, चलो कहीं पे नाश्ता वास्ता करते हैं, क्योंकि सुबह जो निक्की भैया ने मुझे अपने हाथों से बना के खिलाया, बस वही मैं अभी खा के घूम रहा हूँ। तो भैया अभी आ चुके खुसरो बाग के अंदर, जब आप एंट्री करोगे ये गेट मेन जहाँ से हमने एंट्री की है, और अभी तो उतना सन्नाटा नहीं, अभी शोर शराबा हो रहा है हल्का फुल्का, हाँ ऐसे अब सही लग रहा है ना एंगल। और ये दीवार की पेंटिंग्स अच्छी, काफ़ी अच्छी लग रही है। इधर पे एक वैधानिक चेतावनी लिखी हुई है, सर मैं फूल पत्ती, ठीक है ये तो पता है सर कि मतलब हमको कुछ भी तोड़ना ताड़ना नहीं है। यहाँ पे मैप्स बने हैं 1-2, अब चलो चलते हैं आगे। इधर पे बहुत सारे लोग आराम कर रहे हैं, सो हम किसी की प्राइवेसी के साथ में खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो फोर्ट टाइप का एक बीच में जो मंदिर वंदिर जो कुछ भी है वो यहाँ से मुझे सामने दिख रहा है, तो अभी चलो थोड़े से बीरोल वीरोल या फिर कोई सिनेमेटिक शॉट्स लेते हैं, दिखा दें आपको रैली में कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो देख लो ये, इधर पे शांति काफ़ी है, कोयल भी बोल रही है, आवाज़ शायद आ रही हो। इधर पे थोड़ी देर के लिए मैं म्यूज़िक बंद कर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से देख सको, मतलब अच्छे से आप लोग सुन सको, म्यूज़िक इसलिए बंद करूंगा। बाय द वे मतलब सुनने में आ रहा था कि इसका अभी जल्दी में रिनोवेशन हुआ था, तो अभी उतना जल्दी तो नहीं लग रहा मुझे देखने में कि उतना जल्दी रिनोवेशन हुआ था, बाकी शोर शराबा और चिल्ल पहुँचे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं। इधर पे एक दो फोटो निकालने के लिए यार कोई है नहीं कि कोई मेरी फोटो निकाल सकेगा अच्छे से यहाँ पर, तो बी रोल ट्राई करते हैं इधर पे। सुना ऐसा माना जाता है कि ये खुसरो की बहन ने अपने लिए बनवाया था, लेकिन उनको यहाँ से कहीं और ही शिफ्ट कर दिया गया था। सब मुझको देखे मैंने, देखा तुझको बस है, सब धुंधला धुंधला लागे, कॉपीराइट मत देना, तुझ पे है फोकस रे, सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे। जैसे कि मैंने कुछ चीजें यहाँ पे छुपा दी, जैसे मैंने बोला था कि मैं प्राइवेसी के साथ में खिलवाड़ नहीं करूंगा, दैट्स व्हाई आई मूव्ड माय कैमरा टू अदर साइड। तो अभी देखो इसके बी रोल्स। यार इतनी धूप में ना दिमाग मेरा सटक गया है सच में, बाय गॉड बहुत ज्यादा। वीडियो एंजॉय करो आगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है। ओह सॉरी गलती से बैठ गया यार, धूप में ना सब कुछ जल रहा है। तो एक्चुअली ये जगह है ना अच्छी लगी, बट उतनी भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो में ना काला आ रहा हूँ और मेरा ना दिमाग खराब हो चुका है पूरी तरह से, रंग बदरंग हो चुका है, हाल बेहाल हो चुका है, और मुझे ऐसे अभी भूख लगी है थोड़ी बहुत। क्या मस्त चीज आ रही है ना कि अगर आप कपल हो तो आप अगर घूम सकते हैं यहाँ पर, मैंने काफी सारे कपल्स को देखा, तो कुछ दिखाता हूँ
ठीक है, और पता नहीं जो भी जो कुछ भी लिखा हुआ है उस पर ध्यान मत दो। माई बेस्ट फ्रेंड सखी ने साक्षी आयुषी दीपा ईशा, मैं भी लिख डालूंगी यार अपने दोस्तों के नाम, कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे, तो बस वो जो चिड़िया का पूप पड़ा हुआ है, बर्ड्स का पूप, तो उससे तो हम लोग लिख नहीं सकते, कुछ लिखने लायक है भी नहीं। हम भी लिख देते यार किसी का नाम। तो साहब अभी अंग्रेजी बहुत हो गई है, चलते हैं हम लोग, बहुत टाइम हो रहा है, टाइम सॉरी यार वॉच देखने लगता हूँ हाथ में तुरंत से, 1:07 हो गया है। ओके, तो अभी हमको निकलना चाहिए। कानपुर में मिलेंगे, तो अभी आ चुके कानपुर सेंट्रल प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये वो ट्रेन है जिससे हम लोग आए थे। अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं, मतलब रिफ्रेशमेंट करते हैं, थोड़ा मुंह धो लेते हैं, 1 सेकंड फिर मिलते हैं। तो अभी रिफ्रेशमेंट हो गया है, उतना तो अच्छा नहीं लग रहा है, बट थोड़ा बहुत तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक बैठे बैठे ना ट्रेन में मैं बोर हो गया था पूरी तरह से, दिमाग जाने में तो दिमाग खराब हो गया था, बट वापसी में एक जो साथ में कंपार्टमेंट में जो लोग थे थोड़े सब मिले तो अच्छा लगा। जाने के टाइम पे तो क्या बवाल हुआ था आप लोगों को मैंने दिखाया हुआ था लास्ट वाली वीडियो में, नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। हमारा कानपुर अच्छा लगा यार। एक्चुअली ये वो प्लेस है जहाँ पर हम पहले जब डिफेंस की मैं तैयारी कर रहा था, तब मैं यहाँ पर रनिंग करने आता था डेली सुबह 3 बजे 4 बजे, तब यहाँ पे ना ये जो वाइट वाली लैंप्स लगी हुई है ये उस टाइम पे नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा रहता था। और आज मैं इतनी देर रात में आया इधर पे, तो मतलब बाग बाग हो गया यार मेरा दिल,